गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ है उसकी थर्मोडायनेमिक्स की एस्पेक्ट्स क्या होती हैं, जो फ्री एनर्जी है उसका ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है, और एंट्रोपी, एंथैल्पी और इसके साथ साथ जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसे निकाला जाता है, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे निकाला जाता है, और ईएमएफ की मदद से और इन सब सब के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम आज देखेंगे। और इसके साथ साथ हम चेक करेंगे कि नस्ट इक्वेशन जो कि टेम्परेचर का रिलेशन है विद द ईएमएफ, वी विल फाइंड इट आउट, और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। आइए देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट क्या है ईएमएफ का। हम जानते हैं कोई भी सेल अगर काम करता है तो उसका जो वर्क डन है, मैक्सिमम वर्क डन, वह इक्वल होता है माइनस एन एफ ई के, जहां पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडे कांस्टेंट और ई उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो मैक्सिमम वर्क डन है वह मैक्सिमम वर्क डन इक्वल है हो जाता है फ्री एनर्जी के, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होगी जब उसके डेल्टा जी फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव फ्री एनर्जी के इक्वल हो जाता है, तो डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू द वर्क, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल की वैल्यू हमारे पास है एन एफ ई। अगर कहीं पे भी हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी लेनी होती है तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है डेल्टा जी नॉट। जहाँ पे भी स्टैंडर्ड की बात आ गई, हम किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर जीरो का साइन पुट करेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट। तो फ्री एनर्जी के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, तो ये रूल फॉलो होगा, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हम माइनस एन एफ ई के नाम से जानते हैं। और दोनों की वैल्यूज का थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में जो इसका ईएमएफ निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, कैसे? अकॉर्डिंग टू हम जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस, जो है उसको हम जानते हैं कि वो है डेल्टा जी, अगर इसको माइनस से लेना चाहे हम देख सकते हैं, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पोर्शन। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है जिसमें कि फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और टेम्परेचर, फ्री एनर्जी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन एक रिलेशनशिप बनाता है, और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। जब हम इसमें डेल्टा जी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है। ये हमारे पास मिल जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एफ ई माइनस डेल्टा एच, यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो गया, टी डेल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई, माइनस से माइनस हमने इसको हटा दिया, माइनस एन एफ ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हम जानते हैं इस इक्वेशन को अगर हम एन एफ से डिवाइड करें तो एन एफ से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा ई। ये अगर ई की बात है, इसको बोलते हैं ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एच, हमने इसको एन एफ से डिवाइड किया है, अपॉन एन एफ प्लस टी। टी के साथ साथ एन एफ को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। This is equation which is a relationship between this E of cell, electromotive force of the cell is equal to, this is enthalpy, negative form है, minus delta H NF plus T delta E upon delta T at constant pressure. ये वे value temperature के साथ साथ variation को दिखाती है। E is varying with respect to temperature, that's why it is called temperature coefficient for any cell. क्योंकि इसमें तापमान के साथ वेरिएशन हमें आ रहा है, कहां पर? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस इज टेम्परेचर कोफिशियंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इफ वी हैव टेकन द प्रेशर एज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज टेम्परेचर कोफिशियंट, और इसी टेम्परेचर कोफिशियंट के आधार पर हम डेल्टा ई और डेल्टा एच के बीच में भी रिलेशन समझ सकते हैं। वी कैन हैव थ्री केसेस,
इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेस पे अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें, इसके तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहली कंडीशन, जब डेल्टा ई डेल्टा टी का जो रेशियो है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इक्वल हो जीरो के। दूसरा केस, ये पहला केस हमारे सामने आता है। दूसरा केस हमारे पास है जब इसकी वैल्यू कम हो जीरो से। तीसरा केस हमारे पास सामने आता है जब इस टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो। वी हैव थ्री केसेस अराइजेस व्हेन द डेल्टा ई वेरिएटेड विद द टेम्परेचर, तापमान के साथ जब परिवर्तन आता है, तो इसमें तीन केस हमारे सामने आते हैं। पहला केस हमने बताया डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब तीनों केस में हम इंडिविजुअली अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा पहले केस में जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास वैल्यू मिल गई ई सेल इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ। इसका मतलब है अगर डेल्टा एच की बात करें हम, तो हमें मिल जाएगा एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, यानी इन दोनों की वैल्यू हम देखते हैं कि बराबर हो रही है। इसका मतलब है कि डेल्टा एच वेरी कर रहा है, तो इसका ई और ई ऑफ सेल भी वेरी कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, जब हम देखते हैं इसकी वैल्यू जीरो से कम होती है, तो जीरो से कम होने पर डेल्टा एच जो इसकी वैल्यू है, ई ऑफ सेल की वैल्यू जो है वह डेल्टा एच से कम हो जाती है। एन एफ ई सेल इज स्मॉलर देन डेल्टा एच, पहली कंडीशन जब ये इसकी वैल्यू जीरो से कम है। दूसरे कंडीशन में जब ये जीरो से ज्यादा है, तो हमें मिलेगा एन एफ ई सेल इज ग्रेटर देन माइनस है माइनस ऑफ डेल्टा एच। इसका क्या मतलब है, जो एनर्जी है इसको हम माइनस अगर प्रॉपरली लिखें, जो एंथैल्पी डेल्टा ई एच जो है, डेल्टा एच से इसकी वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू अधिक है, यानी जो ऊर्जा है वह क्या हो रही है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ रही है तो वो कहां से लेगी, तो सराउंडिंग से ऊर्जा लेगी, या केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है तो उसकी एंथैल्पी लॉस जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पे एंथैल्पी लॉस कम है, यानी सराउंडिंग के साथ इसका एक रिलेशनशिप बनता है जब हम इसके ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं और उसको वेरी कर रहे हैं विद टेम्परेचर। तो तीन कंडीशन हमारे पास हैं। पहली कंडीशन है एन एफ ई सेल विल बिकम इक्वल टू माइनस डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एच। तो हम इस फ्री एंथैल्पी एनर्जी के साथ साथ इसका एक रिलेशन को वेरी कर सकते हैं। दिस इज द थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, हम अगर हमारे पास इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है, हम ई ऑफ सेल निकाल सकते हैं, हम डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर और जब हमारे पास फैराडे जो वैल्यू है कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम सेल निकाल इसका इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इन पूरी इक्वेशन में अगर हमें सब वैल्यू में से एक वैल्यू निकालनी हो और बाकी वैल्यूज पता हो, तो हम इस इक्वेशन पुट करके निकाल सकते हैं। एक रिलेशन और इसमें एस्टेब्लिश होता है जो कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है, डेल्टा जी कुछ टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशन अगर हमें डेल्टा जी की वैल्यू बताए, डेल्टा एच की वैल्यू बताए और टेम्परेचर पता है, तो हम डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी ये भी हम निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, हम इनकी इंडिविजुअली वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल रिलेशंस। इसके बाद अगर हम इसके कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो भी काफी आसान तरीके से निकाला जा सकता है। हम इसको निकालने के लिए नस्ट इक्वेशन की जरूरत हमें महसूस होगी, और नस्ट इक्वेशन क्या है उसको समझते हैं, उसके उपरांत उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कैसे इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है। हम अब समझते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट हम जानते हैं एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी किया, एनालाइज किया,
और एक इक्वेशन के फॉर्म पे वो लेके आए, उसको इवेल्युएट करने के लिए हम वैल्यू जानते हैं, डेल्टा जी कोस्ट होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अब यहाँ पर ये इक्वेशन ऑलरेडी थर्मोडायनेमिकली अगर बात करें फ्री एनर्जी के टर्म्स में, केमिकल पोटेंशियल के टर्म्स में इजिली समझी जा सकती है, ये ऑलरेडी नोन है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अभी हमने कहा था जी नॉट का मतलब है कि ये वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन की है। स्टैंडर्ड कंडीशन जब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसेंट्रेशन अगर 1 मोल हो तो उस केस में वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। नाउ डेल्टा जी की वैल्यू हम जानते हैं, अभी हमने डेल्टा जी की वैल्यू देखा था जो कि हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन के। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू के है वो किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए कोस्टेंट या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी उसको और एस्टेब्लिश करते हुए समझेंगे, और ln है log at base e, जिसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल, या इसको लिख सकते हैं log base e, log base e k by dividing this equation by minus nf, तो हमें मिल जाएगा e equal to e naught minus rt upon एन एफ एल एन के, नेचुरल लॉगरिथम के। जब हम इस नेचुरल लॉगरिथम को लॉग बेस 10 में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में एट बेस 10। लॉग जो लिखा जाता है तो अपने आप बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। दिस इक्वेशन इज नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हमें EMF, E of cell, standard E of cell minus इसके temperature के साथ इसके variation को दिखाता है जब K हमारे पास मिला हुआ हो। K sometimes it is replaced by Q, Q is a quotient, और quotient क्या है अभी उसको समझते हैं। लेकिन Nernst ने कहा कि यदि R की value हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अगर रख देते हैं, टेम्परेचर हम रखते हैं 298 केल्विन, फैराडे कांस्टेंट हम जानते हैं 96,500 कूलम पर मोल, और एन अभी हम इसको पुट नहीं करते हैं, एन तो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन। बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू आती है 0.0591। After putting all the values, the value comes 0.0591. इसको हम इधर put करते हैं, हमें मिलेगा cell की reaction E of cell equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n. n is the number of electron involved in chemical reaction of cell. This is Nernst equation. Now how we will apply this K? We need to understand it. Let us suppose we have any equilibrium reaction A plus small b, b. हम equilibrium reaction की बात करते हैं क्योंकि कोई cell reaction होती तो वो equilibrium में होती है। इसको हम एक generalized formula देखते हैं, उसके बाद half cell में इसको apply करेंगे। Small c capital C, small d capital D, A B C D छोटे small में जो है वो इनके coefficient हैं, stoichiometric coefficient, एंड ए बी और ये आयंस भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। इसके लिए क्यू यानी कोशेंट होगा बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। वी हैव दिस वैल्यू के y for this equation, equilibrium के लिए हमारे पास ये equation बनी, k की value मिली, तो इस overall equation को अगर हम terms convert करना चाहें तो Nernst equation के form में हम कह सकते हैं E cell equal to E naught of this particular cell or equation, हम इसको एक cell मानते हैं, equation मान रहे हैं, तो minus 0.0591 divided by n log k की जगह पे हमारे पास आ गया concentration of c, small c, concentration of
डी का स्मॉल डी कंसेंट्रेशन ए की पावर ए कंसेंट्रेशन बी की पावर स्मॉल बी. दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर वन जनरलाइज रिएक्शन. वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इक्वेशन फॉर एनी हाफ सेल रिएक्शंस. लेट अस सपोज वी हैव एनी मेटल एंड मेटल इज लूजिंग एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग द एक्वस मेटल इन टू द सॉलिड मेटल. कोई भी मेटल हमारे पास है, ये मान लेते हैं एक्वस फॉर्म का है, प्लस इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है और ये बन जाता है सॉलिड. ये हाफ सेल रिएक्शन हम मान सकते हैं इसको, हाफ सेल रिएक्शन. और हाफ सेल रिएक्शन के नस्ट इक्वेशन क्या होगी इसको समझ लेते हैं. ई ऑफ दिस हाफ सेल, हम इसको सिंपली ई लिखे, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन. हम एन लिखेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है. लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव इट इज इन एक्वस स्टेट. यहां पर एम जो सॉलिड की वैल्यू है वो हमेशा वन के इक्वल होती है क्योंकि सॉलिड की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इसकी वैल्यू हम वन मानेंगे. E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n. इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस एक्वस दिस. और इसको अगर हम इसको ऊपर ले ले तो ये माइनस की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n लॉग एम एन प्लस एक्वस. दिस इज the half cell reaction, half cell equation, nest equation for this half cell, this half cell. तो इसी प्रकार से हम इनकी values में variation करेंगे और इसके माध्यम से हम E की value, E naught की value निकाल सकते हैं. N अगर हमें दिया हो, इसकी concentration दी हो, तो हम इस cell का EMF calculate कर सकते हैं. This is the method by which our, we can find out the relationship between the temperature and EMF of the cell. क्या वेरिएशन आता है वो नस्ट ने एक्सप्लेन किया. इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं नस्ट के माध्यम से. नस्ट की इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं. अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ईएमएफ को जीरो कंसीडर करें तो हमारे पास वैल्यू होती है, मान लेते हैं जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी उसी का एक एग्जाम्पल. इस केस में हम के की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें. हमारे पास कोई भी एक जनरलाइज्ड सेल रिएक्शन है जिसमें ए कुछ भी हो सकता है, बी और उनके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, और इसके लिए हम मानते हैं ई ऑफ सेल जीरो. मान लेते हैं हम इसके इस केस में जीरो वैल्यू आती है तो इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग के. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉग इसकी वैल्यू हम जीरो ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें लेगी जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग के. इट विल बिकम 0.0591 अपॉन एन लॉग के ई नॉट ऑफ सेल. तो लॉग के इक्वल टू हो गया एन इंटू ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591. इसके मेथड से इस वैल्यू से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर पहली कंडीशन हम ई ऑफ सेल जीरो लेते हैं तो हम के की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. इफ वी हैव द वैल्यूज ऑफ ई सेल ई नॉट अ सेल हम तब भी इस केस में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज अ मेथड, दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. हम सब यहाँ पर यूज करते हैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. क्योंकि पूरे सेल रिएक्शन में एक बार इक्विलिब्रियम जरूर आएगा और उस का कांस्टेंट क्या होगा उसको निकालने का ईएमएफ के साथ स्टैंडर्ड ईएमएफ के साथ का ये रिलेशन है. इसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है हमें दी ईएमएफ
ईएमएफ निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल, सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कौन सी सेल है? सेल ये है जिंक, जिंक टू पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.001 mM, इसकी भी कंसेंट्रेशन है 0.01 mM। और इस सिंपली इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालेंगे, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, तब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेट्स सी, पहले हमारे पास ईएमएफ निकालने का तरीका हमें समझना जरूरी है कि इस सेल के लिए जब ये वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हों, ई नॉट इक्वल्स टू 0.08 volt एंड ई नॉट जेड एन जेड एन टू प्लस माइनस वैल्यू दे रखी है 0.76 volt। इसके लिए पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड का की जो वैल्यू है वो इक्वेशन कैसे जनरेट करेगी वो देख लेते हैं। जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव, मींस जेड एन, अब ये सॉलिड फॉर्म का है तो जेड एन सॉलिड, कन्वर्टिंग इनटू जेड एन टू पॉजिटिव इज इन एक्वस बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एजी प्लस, इट इज इन एक्वस स्टेट when gaining one electron converting into the silver solid। दो इक्वेशन हमारे पास है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन हमने देखी, दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी दी गई है। पहले हम इसकी पूरी सेल इक्वेशन लिखते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसको बैलेंस करने के लिए हम ओनली टू से मल्टीप्लाइड करेंगे, दो टू से मल्टीप्लाइड करने पर वैल्यू हमारे सामने ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इस इक्वेशन को हम अब जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमें मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस फाइव ऑफ एजी पॉजिटिव इट इज एन एक्वस स्टेट एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट। दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हमने तो कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद हमें मिलेगा जेड एन टू प्लस एक्वस और प्लस टू ए जी सॉलिड। और इस इक्वेशन के लिए ई नॉट की वैल्यू हमें दी गई है जेड एन, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें माइनस 0.76 volt, इसकी ई की वैल्यू दी गई है हमें 0.80 volt। हम जानते हैं ई माइनस, जब ई नॉट की वैल्यू हमें मिली है तो ई ऑफ सेल निकालेंगे तो हम ई राइट माइनस लेफ्ट हम इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट कौन सा है ये देखना है। राइट वाला सेल हमारे पास सिल्वर का है और जिंक वाला हमारे पास लेफ्ट वाला है। राइट वाला और लेफ्ट वाला यानी ई ऑफ सेल, अब इन दोनों को हमने ऐड तो किया तो ई नॉट ऑफ इस सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट स्टैंडर्ड। राइट हमारे पास हमने कहा सिल्वर है तो हमें मिलेगा 0.80 माइनस, लेफ्ट हमारे पास है जिंक तो माइनस 0.76। वी कैन ऐड दीज वैल्यूज क्योंकि माइनस का प्लस हो गया 6.51 volt, 1.56 volt इज द ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। और इस के लिए हम अब नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, ई नॉट की वैल्यू हमें दी गई है E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N, N हम बोल रहे थे, N की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यू E की वैल्यू हमारे पास है 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log, हम जेड एन टू पॉजिटिव कंसेंट्रेशन देख रहे हैं हमारे पास है, इसको बोलते हैं 10^2 में बोले तो 10^-3 और इसकी वैल्यू है 10^-1। तो ये अगर वैल्यू गई ऊपर तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.589। तो 1.589 कैसे मिलेगी इसको हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस वन प्लस चलाएगा 2 तो जी माइनस का प्लस हो गया एंड सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 × 0.04591/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो इसकी वैल्यू 1.56 प्लस 0.0591।
इन दोनों को जोड़ने के बाद इस सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल सकता है और निकल कर रहा है। ये एक तरीका है सिंपल सा, जिसमें हम किसी भी सेल के लिए ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगर इस सेल का ईएमएफ निकालना हो तो ये सिंपल सा इसका तरीका है। पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये इक्वेशन कैसे बनेगी, और हमें इतना ध्यान रखना है इसको देखते हुए। ये डबल स्लैश का साइन हमने बताया था, ये है सॉल्ट ब्रिज के लिए। इसके लेफ्ट साइड जो भी लिखा हुआ वो लेफ्ट हैंड सेल का रिप्रेजेंटेशन है, और जो राइट साइड पे लिखा हुआ राइट हैंड सेल का, तो वो इसका रिप्रेजेंटेशन है। दोनों केस में हमें हाफ सेल निकालनी है और दोनों हाफ सेल को हमें ऐड कर देना है। इसी बेसिस पे हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल वे। और इसका अगर इक्विलिब्रियम, इस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना हो तो हम इसकी जगह पे के की वैल्यू हम रख देते हैं। जिंक की जो वैल्यू है हम मान लेते हैं इसका कोई कंसेंट्रेशन नहीं दी गई है, हमसे कहा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो इसको हम के कंसिडर करते हैं, तो के कंसिडर करने पर हमारे पास ई सेल की वैल्यू मिल चुकी है, और ई सेल की वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारे मिल जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसको ऐड करते हैं ये हमें मिलेगा 1.619। ई की वैल्यू हम मिली 1.619। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल टू ई नॉट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस कर लेते हैं इसको 1.56। तो इसको हमने माइनस किया तो हमें वैल्यू मिल गई इक्वल टू लॉग के। देखिए और उसको पुट कर दें अलग तरीके से करें तो सही तरीके से बन जाएगा। के की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के। ये वैल्यू रखी हमने रखी 1.619, इसकी वैल्यू हमने रखी 1.56 माइनस ये वैल्यू हम फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं लॉग के। तो लॉग के माइनस ऑफ लॉग के इक्वल्स टू 1.619 माइनस 1.56 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, और इसको ये वैल्यू निकालने के बाद इसका हम एंटी लॉग करते हैं तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द वे, यानी के की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका हमारे पास है। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा हमें, वो तरीका ये है, और इसके माध्यम से हम आसानी से इस क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। उन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जानने के बाद हम इनके बेसिस पे, इनकी हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मदद से इस सॉल्यूशन का पीएच निकाला जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रोड कैसे बना, इन इलेक्ट्रोड की क्या क्या इक्वेशन हो सकती हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तीन प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं जिनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिसको अप्लाई करके जॉइंट करके निकाली जा सकती हैं। क्लास इलेक्ट्रोड की वैल्यू इसका जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के अगेंस्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट अगर हम जब रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.2875 वोल्ट, क्विन हाइड्रोजन की आती है 0.2875, और कैलोबल इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो है 0.6996 वोल्ट। सबसे पहले हम समझते हैं क्लास इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, किस तरीके की चीज़ें इसमें इंप्लॉय की जाती हैं और क्या क्या इसके केमिकल यूज किए जाते हैं। तो ग्लास इलेक्ट्रोड एक सिंपल इलेक्ट्रोड है, ग्लास चैम्बर के अंदर इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ग्लास के अंदर एक थिन बल्ब लगाया जाता है, पतला सा एक बल्ब है, थिन बल्ब। इसमें एक वायर हमने डाल दिया और हमने इसमें ये जो वायर है सिल्वर भी यूज कर सकते हैं हम, और इस वायर में हमने सिल्वर वायर बोला। इस सिल्वर वायर में सिल्वर प्लेन दिख रहा है आपको, ये जो राउंडेड बॉटम इसका दिखाई दे रहा है, ये राउंडेड बॉटम बेसिकली थिन ग्लास का बना है, पतली ग्लास का बना हुआ है। इस के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो सॉल्यूशन
है 1m HCl का, यानी H पॉजिटिव आयन इसके अंदर है। तो ये जो वायर जब कनेक्ट कर दिया जाता है, ये जो कनेक्शन इसका अगर हम किसी भी सेल के साथ जोड़ते हैं, खासतौर पर अगर हम इसकी वैल्यू, इसको वैल्यू निकालना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड करते हैं। तो ये जो इसका थिन ग्लास राउंड बॉटम है, वो थिन ग्लास राउंड बॉटम जिस भी सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा उसमें इसका एच पॉजिटिव का एक्सचेंज होगा। डिफरेंस यहाँ से एच पॉजिटिव का मूवमेंट होता है और एसिडिक मूवमेंट की वजह से इसमें फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का होता है और इसकी बहुत इजीली इसके बेसिस पे हम एक सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। और सर्किट में एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए उपयोगी होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। दूसरा हमारे पास है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत ज़्यादा इसका उपयोग सिर्फ पीएच निकालने के लिए करते हैं हम, ये जब हम ईएमएफ की मदद से पीएच निकाला जाता है। दूसरा हमारे पास था ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके लिए हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोन और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच में, ग्रीन हाइड्रोजन और डाई हाइड्रोजन के बीच में एक इक्वेशन जब जनरेट होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इसमें OH और डबल बॉन्ड में सिर्फ H पॉजिटिव जुड़ जाते हैं, और H पॉजिटिव जुड़ने के साथ साथ इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। और ये हमारे पास है क्विनोन। क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली होता है, तो इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है, जब भी हम इस पूरे सिस्टम को ऐड करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ये सिस्टम इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। और इसके लिए पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन पर, इसके लिए पोटेंशियल हमेशा हमें मिलता है 0.2875 वोल्ट। अगर हमें इसकी मदद से किसी के सॉल्यूशन का पीएच निकालना हो, तो हमें इसके लिए जो वैल्यू, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू हमें याद करनी है, या इट विल बी गिवन टू यू 0.2875 वोल्ट। तो इसका एक अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात अगर हम करें, तो हम जानते हैं, अब इसको समझने से पहले हम एक सिंपल सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बहुत आसान है इसको समझना। एक वर्टिकल कॉलम हमारे पास है, वर्टिकल ट्यूब रहती है, और जिसके अंदर हम देखते हैं प्लैटिनम की वायर हमने डाल दी, और इसमें हमने ग्रीन हाइड्रोन हमने फिल कर दिया। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये प्लैटिनम की वायर है, प्लैटिनम स्ट्रिप है, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसको हम ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे किसी भी सेल में। ये हमारे पास जो बॉटम में है, ये है QH2। QH2 कहाँ से आया, ये हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में, इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू QH2। इसको हम हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और इसके ऊपर का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारा है सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी हमने दोनों को एक साथ डिप किया, क्विन हाइड्रोन को और H पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन को, और इसके बॉटम में हमें मिलेगा हाइड्रोक्विनोन। और हाइड्रोक्विनोन जब बना, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इवोल्यूशन हुआ, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लैटिनम रॉड, प्लैटिनम स्ट्रिप के माध्यम से सर्कुलेट हो गई, सर्किट को कंप्लीट करती है। और इसको अगर हम जब जोड़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमारे पास पोटेंशियल ऑलरेडी डेवलप्ड आता है। तो ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और पीएच निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि इसके बेसिस पे हम अभी पीएच निकालेंगे। तो ये इसका एक सिस्टम डायग्राम इसका बना हुआ है, और ये डायग्राम में बहुत आसान ये समझना ये है कि इसमें क्यों हाइड्रोन बॉटम में डिपॉजिट होता है, और सॉल्यूशन इसमें एच पॉजिटिव का इजिली कन हाइड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है बाई रिमूविंग और बाई गेनिंग। समटाइम्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव किया जाता है, करता है। और ये हमारे पास क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक सिस्टम। अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है
प्लैटिनम की हमारे पास इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोक्विनोन इसमें बनता है और साथ साथ में हाइड्रोक्विनोन के साथ इसमें सॉल्यूशन है एच पॉजिटिव आयन का। अगर इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट किया जाए तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रहेगा, रिप्रेजेंटेशन में जो लिखा हुआ है वो इजीली हमें समझ में आ रहा है। प्लैटिनम की एक इलेक्ट्रोड छड़ यहाँ पे दिख रही है, हाइड्रोक्विनोन हमारे पास है और जो सॉल्यूशन में हमने एच पॉजिटिव फिल किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस काइंड ऑफ हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी का जिसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड में हमारे पास मरकरी और केसीएल का सॉल्यूशन रहता है। इसको हम देखते हैं कैसे बनता है इसका प्रेजेंटेशन। ये एक राउंड इस तरीके की एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड में हम एक ग्लास रॉड और फिट करते हैं। इस ग्लास रॉड के अंदर केसीएल का सॉल्यूशन फिल किया जाता है और केसीएल का सॉल्यूशन अभी इसको बाद में देखते हैं। इसमें मरकरी है एचजी और यहाँ पे है HG2Cl2 कैलोमल और इस पूरे कैलोमल में हम एक वायर ऐड कर देते हैं प्लैटिनम की वायर। जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं ये है सिंटर्ड ग्लास, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर हल्का सा होल रहेगा क्योंकि ये इसको फ्लो को बनाए रखेगा, मेंटेन करेगा। तो हमने देखा इसमें KCl का सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है तो इसको जब जोड़ते हैं तो कैलोमल होने की वजह से कैलोमल है HG2Cl2 और यहाँ पे हमारे पास है HG मरकरी तो इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड HG2Cl2 की वजह से इसको बोला जाता है। जब भी इस सेल को हम अटैच करेंगे और ख़ास तौर पे अगर इसको जब अटैच किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है पॉइंट इसकी EMF की में जो डिफरेंस दिखता है वो आता है 0.6995 वोल्ट। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू की मदद से हम pH निकाल सकते हैं। इसमें जो युक्ति बनी हुई है वो हमारे पास KCl के सॉल्यूशन की वजह से, Hg2Cl2 की सॉल्यूशन और Hg की वजह से और Hg2Cl2 की वजह से इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड नाम दिया जाता है। अब हम इन सभी इलेक्ट्रोड की मदद से pH को कैसे डिटरमाइन किया जाए वो हम समझते हैं।